मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सपत्नीक श्री महाकाल मंदिर अन्न क्षेत्र चमेली देवी अग्रवाल भवन शक्तिपथ महाकाल तपोवन तथा महाराजवाड़ा हेरिटेज अनुभूति वन चिंतन वन पुष्कर जी मुख्य सवारी मार्ग के विकास कार्यों का गुरुवार शाम को लोकार्पण फीता काट कर किया। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र चमेली देवी अग्रवाल भवन में उपस्थित देश भर से आए संत गणों का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन एवं स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अन्न क्षेत्र भवन का अवलोकन कर माँ अन्नपूर्णा रसोई सर्विस कॉरिडोर प्रसाद कक्ष भोजन प्रसादी की अत्याधुनिक मशीनों का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री ने संत गणों को भोजन प्रसादी अपने हाथों से परोसकर भोजन करवाया और खुद ने भी सपत्नीक भोजन किया। अन्न क्षेत्र भवन को 22 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। भवन निर्माण के लिए इंदौर निवासी बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन ने 22 करोड़ रुपए लगाए हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य एवं मंदिर के पुजारी प्रदीप गुरु की प्रेरणा से भवन का निर्माण करवाया गया है। इसी तरह अन्न क्षेत्र में गुड़गांव निवासी प्रवीण अरोड़ा ने भोजन प्रसादी के लिए हाईटेक बर्तन एवं मशीनें 5 करोड़ रुपए दान देकर लगवाई है। ये भवन विनोद अग्रवाल के माता पिता की याद में उक्त भवन समर्पित कर उन्होंने अपने आप को भाग्यशाली मानकर उक्त भवन को श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति को हैंडओवर किया। उज्जैन का यह अन्न क्षेत्र नई तकनीक और सुविधाओं के मामले में सबसे उन्नत है। देश के अन्य शहरों से अलग अलग मशीनें मंगवाई गई है। अन्न क्षेत्र में 1 लाख लोगों के लिए भोजन प्रसादी तैयार कर परोसने की जिम्मेदारी 80 लोगों के पास होगी। इसमें 50 लोग खाना बनाने का काम करेंगे, वहीं भोजन प्रसादी को परोसने समेत अन्य जिम्मेदारियों के लिए 30 लोग तैनात रहेंगे। अब महाकालेश्वर मंदिर समिति इस भोजनशाला का संचालन करेगी। मशीनें यहाँ लगी गई है। दूसरा, इस भोजनशाला को देखकर मैं समझता हूँ कोई भी 7 स्टार होटल की ऐसी भोजनशाला नहीं होगी। पूरी हाइजीनिक ये बनी है। इसका निर्माण हमारे जो प्रमुख संरक्षक है विनोद अग्रवाल जी, अग्रवाल समाज के, उन्होंने अपनी माताजी की स्मृति में ये कराया है। आप देखते हैं कि पैसा बहुतों के पास होता है, बाकी दान देना, वो 22 करोड़ से अधिक की लागत से इस भोजनशाला का निर्माण हुआ है, वो उनके ट्रस्ट के सौजन्य से, उनके परिवार के सौजन्य से। और है कि जो अतिथि निवास अभी इस महाकाल लोक में जो बनने जा रहा है, उसमें भी अग्रवाल समाज जो 12 कैंपस बनेंगे उसके लिए तत्पर है अग्रवाल समाज के, जो हमारे विनोद जी अग्रवाल और इनके साथ की टीम है उस कार्य को करने के लिए। जो हमारा ऐसा मानना है कि पूरे भारतवर्ष में आज की तारीख में सबसे आधुनिक और सबसे बड़ी और सारी व्यवस्थाओं के साथ और बड़ी खुली खुली बनी ये भोजनशाला रसोई घर जिसको हम बोल रहे हैं, ये माँ अन्नपूर्णा स्वरूपा यहाँ पर आज लोकार्पण इसका हुआ है। कल से रूटीन में शुरू हो जाएगी और उसके अंतर्गत कम से कम जो किचन व्यवस्था है, कुछ इक्विपमेंट और अगले 10-5 दिन में आ जाएंगे। 80,000 से 1,00,000 लोगों का भोजन एक साथ बन सकता है और दिन भर भोजन यदि करते रहते हैं तो 40,000 से 50,000 लोग आज की तारीख में यहाँ भोजन कर सकते हैं। और यहाँ पर किचन में भी सारे आधुनिक जितने भी इक्विपमेंट्स, मशीनें, चाहे रोटी बनाने की मशीनें हों, जितनी भी सब आधुनिक इसमें लगी हुई है और आज इसका लोकार्पण मान। उज्जैन धार्मिक नगरी इसलिए चुना गया कि जब इसका एक भव्य रूप हुआ, नया कॉरिडोर और नया जो महाकाल का रूप बना, तो अन्य क्षेत्र तो पहले भी यहाँ महाकाल में चलता ही था, सालों से चलता था, लेकिन बहुत छोटा रूप था। तो प्रशासन की ये कल्पना आई कि अन्य क्षेत्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लाखों करोड़ों संत भक्त आएंगे बाहर से। तो जब उनकी कल्पना में आई और मैं इनके टच में था प्रदीप गुरु जी के माध्यम से, वो कह रहे थे कि आप कुछ करना है यहाँ पर, तो जब ये विचार आया तो मैंने कहा मैं इसको करने को सहज तैयार हूँ। और आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब इस श्रावण मास में भारत के जितने भी सिद्ध मंदिर थे उनमें सबसे ज़्यादा यात्री उज्जैन आया है इस बार, तो उस तरीके से इसकी प्रसिद्धि है और महाकाल बाबा का प्रसाद यहाँ मिलेगा।